हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम सभी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट काफ़ी समय हमें पता नहीं होता कि कैसे स्टार्ट किया जाए या कैसे इंग्लिश बोला जाए। काफ़ी समय हम ट्राई तो करते हैं दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलने के लिए, बट लैक ऑफ वर्ड्स की कमी के वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं पाते दोस्तों। बिना शब्द के हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। इसी वजह से मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, कॉमन इंग्लिश वर्ड, जहाँ एक पार्ट में मैं 100 वर्ड्स ला रहा हूँ। तो दोस्तों, यह उस वीडियो का पार्ट 4 है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। पहला शब्द है जॉब, मतलब काम। एज मतलब बढ़त। पास्ट मतलब अतीत। सॉफ्ट मतलब मुलायम। फन मतलब मजा। ब्राइट मतलब उज्जवल। गैस मतलब गैस। वेदर मतलब मौसम। मंथ मतलब माह। मिलियन मतलब लाख। बियर मतलब भालू। फिनिश मतलब खत्म। हैप्पी मतलब खुश। होप मतलब आशा। फ्लावर मतलब फूल। क्लॉथ मतलब कपड़े। स्ट्रेंज मतलब अजीब। गॉन मतलब चला गया। ट्रेड मतलब व्यापार। मेलोडी मतलब राग। ट्रिप मतलब यात्रा। ऑफिस मतलब कार्यालय। रिसीव मतलब प्राप्त करना। रो मतलब पंक्ति। माउथ मतलब मुंह। एग्जैक्ट मतलब सटीक। सिंबल मतलब प्रतीक। डाई मतलब मरना। लिस्ट मतलब कम से कम। ट्रबल मतलब मुसीबत। साउट मतलब चिल्लाव। एक्सेप्ट मतलब सिवाय। रोट मतलब लिखा। सीड मतलब बीज। ज्वाइन मतलब शामिल होना। सजेस्ट मतलब सुझाव। क्लीन मतलब साफ। ब्रेक मतलब तोड़ना। लेडी मतलब महिला। राइस मतलब वृद्धि। बैड मतलब बुरा। ब्लो मतलब झटका। ऑयल मतलब तेल। ब्लड मतलब खून। टच मतलब स्पर्श। सेंट मतलब प्रतिशत। मिक्स मतलब मिश्रण। वायर मतलब तार।
कॉस्ट मतलब लागत, लॉस्ट मतलब खोया, ब्राउन मतलब ब्राउन, वियर मतलब पहनना, गार्डन मतलब बगीचा, इक्वल मतलब बराबर, सेंट मतलब भेजा, चूस मतलब चयन, फेल मतलब गिर गया, फीट मतलब फीट, फ्लो मतलब प्रवाह, कलेक्ट मतलब इकट्ठा, सेव मतलब बचाना, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, डेसिमल मतलब दशमलव, ईयर मतलब कान, एल्स मतलब बाकी, क्वाइट मतलब काफी काफी, ब्रोक मतलब तोड़ दिया, केस मतलब मामले, मिडल मतलब बीच, किल मतलब हत्या, सन मतलब बेटा, लेक मतलब झील, मोमेंट मतलब पल, स्केल मतलब पैमाने, लाउड मतलब जोर, स्प्रिंग मतलब वसंत, ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण, चाइल्ड मतलब बच्चे, स्ट्रेट मतलब सीधे, कंसोनेंट मतलब व्यंजन, नेशन मतलब राष्ट्र, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, मिल्क मतलब दूध, स्पीड मतलब गति, मेथड मतलब विधि, ऑर्गन मतलब अंग, पे मतलब भुगतान, एज मतलब उम्र, सेक्शन मतलब अनुभाग, ड्रेस मतलब पोशाक, क्लाउड मतलब बादल, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, क्वाइट मतलब शांत, स्टोन मतलब पत्थर, टीनी मतलब छोटे, क्लाइंब मतलब चढ़ाई, कूल मतलब शीतल, डिजाइन मतलब डिजाइन, पूर मतलब गरीब, लॉट मतलब बहुत, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। दोस्तों यहाँ थी आज की वीडियो, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने एक दोस्त के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, देखिए फिर से इस वीडियो को और याद कर लीजिए। थैंक यू।